नमस्ते दोस्तों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, एक स्प्लेंडर बाइक बंद हो गई है और रास्ते में चलते चलते बंद हो गई। हमारे गांव की बाइक है, कम से कम 2-2.5 महीने पहले न्यू बाइक लिए थे। तो दोस्तों चलते हैं, देखते हैं क्या क्या टूल लेकर चलें कि बाइक स्टार्ट हो जाए। और जब दोस्तों न्यू बाइक बंद हो जाती है तो सोचना पड़ता है कि कौन कौन सा टूल ले चलें, बाइक में क्या समस्या होगी। तो चलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये गांव का रोड है, हम लोग भदोही ज़िले के रहने वाले हैं। कम से कम 1 किलोमीटर दूरी पे दोस्तों ये बाइक बंद हुई है। दोस्तों फ़ोन पे बताए थे कि ये चाबी कट करने के बाद भी बाइक चालू हो रही है, तो इसका मतलब दोस्तों रिले में शॉर्टिंग है। रिले जो सेल्फ का रिले होता है वही दोस्तों शॉर्ट है। चलिए ठीक है दोस्तों, वीडियो को हम पोस्ट करते हैं, उसके बाद पहुंचने के बाद वीडियो कंटिन्यू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये बाइक के पास हम आ गए हैं और देखिए इसमें कोई भी लाइट मीटर में नहीं जल रहा है। इसका मैटर मतलब दोस्तों, इसका जो रिले होता है सेल्फ वाला, ये शॉर्ट करके पूरी बैटरी उतर गई है। देखिए दोस्तों, इसका फ्यूज दोनों ठीक है, इसको हम निकाल नहीं रहे हैं क्योंकि दिख रहा है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये बैटरी बहुत हीट हो गई है, बहुत ज़्यादा हीट हो गई है। कोई भी बैटरी दोस्तों जब भी रिले शॉर्ट करेगा तो बैटरी हीट होगी, इससे आप घबराएं ना। देखिए दोस्तों, हम रिले को निकाल कर उसके बाद बाइक को स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टार्ट होती है कि नहीं, रिले निकाल देंगे दोस्तों बाइक स्टार्ट हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, उसके बाद इसको थोड़ा ठोक कर लगा देंगे तो ये उस समय दोस्तों काम करेगा, लेकिन फिर बाद में वही समस्या हो सकती है। तो दोस्तों हम इसको दुकान पे ले जाकर रिले चेंज कर देंगे। और दोस्तों ये देखिए, 2-2.5 महीने की बाइक है, स्प्लेंडर पे लोग भरोसा करते थे, लेकिन इसमें भी ये समस्या आने लगी है कि कई 2-2.5 महीने की दोस्तों बाइक बंद हो जा रही है रोड पर। तो देखिए दोस्तों, बैटरी हीट है और ये रिले ख़राब होने पर दोस्तों यही समस्या होती है, मोटर डायरेक्ट हो जाता है। रिले दोस्तों चेंज कर